गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो मेरे चैनल पे नए मैं उन्हें बता दूं, मैं हूं सलोनी जीतपुरे और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 9 बजे से। तो आज है होली, तो हम लोग होली खेलने जा रहे हैं आठनेर, क्योंकि हमारे सारे रिश्तेदार आठनेर में हैं। मेरी नन लोग भी सब आठनेर में हैं और हमारे यहाँ आज तो मेला ही लगेगा, मतलब जतरा है आज हमारे यहाँ पे, और होली कल रहेगी। तो मेरे मायके में आज होली रहती, तो हम लोग आज वहाँ जा रहे हैं होली खेलने। तो मिलते हैं आठनेर पहुँचने के बाद। आरो हाय बोल दो। हाय। और आरो को भी होली खेलने का बहुत मन है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं, नहीं तो वरना मैंने तो सोचा था कि हम नहीं जाएंगे होली खेलने के लिए। हाय। आरो ने नोट पकड़ा हुआ था ना, तो उसे हाय बोल तो नहीं आ रहा था। तो गाइस, मम्मी अभी ये कलर लेके आई है, गुलाल, मतलब पक्के कलर से नहीं खेलेंगे हम होली, गुलाल से खेलेंगे। तो बस वही खरीद के लाई है मम्मी अभी, और फिर अब हम लोग जाएंगे आठनेर। और आरू को भी, आरू के लिए हमने पिचकारी भी खरीद, ये रही आरू की पिचकारी, ऐसे ऐसे पानी आते इससे। और पर आरू को अभी दबाते नहीं आ रहा है। और एक और टॉय लाया है आरू के लिए, दिखाती हूँ। ये वाला टॉय लाया है हमने मेले से, और ये आरू के अंकुश चाचू लेके आए हैं उसके लिए डॉगी, बहुत ही प्यारा है। और आरू इसे सुबह से पकड़ के रखा है, खेल रही है उससे। और मैं रेडी हो चुकी हूँ होली खेलने के लिए, और मैंने पूरे फेस पे ऑयल लगा के रखा है ताकि कलर चिपके ना और स्किन ख़राब ना हो मेरी। नारियल तेल लगाया हुआ है और मैंने आरू को भी नारियल तेल लगा दिया है। अभी आरू तो बस कलर से खेलने में लगी हुई है, और आरू ने तो अभी टीका लगा चुकी है, भगवान जी की पूजा कर रही थी तो खुद से टीका लगा लिया। दिखाओ आपका टीका गाइस को, दिखाओ। देखो उसने फाड़ लिया, खुद से फाड़ लेती है सारी चीज़ें। अगर ऐसे कुरकुरा खाना रहता है ना, तो दुकान में जाती है और खुद से खोल के खाने लगती है। ये हम आ गए आठनेर, भैया के साथ होली भी खेली। ये रही दीदी और दादी, और ये रही दीदी आरू के लिए झूला डाल रही दीदी। और हम आए हुए अभी मेरे चाचा ससुर के घर पे, और फिर हम लोगों ने यहाँ पे खाना खाया, और फिर गए मम्मी के घर पे। और छोटे देवर, हाय सबसे छोटे, हाय बोलो, हाय भैया। कुछ ऐसा हाल हो चुका है हमारा होली खेल के, अब दिखाते हैं आगे की होली आपको। होली खेल खेल के कुछ ऐसा हाल हो चुका है मेरा। अरे रे आरू बच्चा, और ये मेरी कजन से, और यहाँ चल रही है हमारी आइसक्रीम पार्टी। पापा हम लोगों के लिए, सबके लिए आइसक्रीम लेके आए हुए हैं, तो बस हम आइसक्रीम खा रहे हैं अभी। और मेरा कलर सही से छूटा ही नहीं, ये बहुत ही बेकार तरीके से कलर लगाया हुआ है भाभी ने। बच्चा आइसक्रीम खा रहा है, यम्मी लग रही है आरू। आरू आइसक्रीम यम्मी लग रही। अरे आरू सुनो तो मम्मा की बात। आरू सुनाई आ रहा है, आइसक्रीम यम्मी है, लो मम्मा को दे दो। यहाँ पे हम खेल रहे हैं लूडो। गाइस होली भी खेल ली और खाना भी खा लिया, और अब मैं जा रही हूँ सीटेट का फॉर्म भरने। तो अब मैं जा रही हूँ सीटेट का फॉर्म भरने, तो मिलते हैं कैफे जाकर। कैफे से आ गई हूँ मैं, और फॉर्म भरना हो गया है मेरा सही से, और अब हम जा रहे हैं घर पर। बाय बाय बोल दो आरू, बाय। हाँ तो दे रहे, बाय। तो मिलते हैं घर पहुँचने के बाद। तो गाइस हम लोग घर पहुँच चुके हैं, और अब काम ख़त्म करके हमारे गांव के मेले में जाएगी, और सामने से फागुन के गीत गाते हुए गांव के लोग जा रहे हैं। फागुन का महीना आती ही बहुत सारी खुशियां लाता है किसानों के लिए। किसानों की फसल आई हुई रहती है इस वक्त, अभी जैसे गेहूं आ चुका है, तो सभी बहुत उत्साहित रहते हैं इस होली फेस्टिवल में। और यहां पे वही उत्साह देखने को मिल रहा है। और मैंने सीटेट का फॉर्म भर चुकी हूं, मैंने दोनों पेपर के लिए फॉर्म डाला हुआ है,
पेपर वन के लिए 1000 रुपये फीस थी और पेपर वन और टू दोनों मिला के 1250 रुपये लगी। वैसे तो 1200 है पर कैफ़े वाले 50 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं, तो बस 1250 रुपये फॉर्म भरने की फ़ीस लगी है। और फिर अभी तो मैं स्टडी क्लासेस से ही पढ़ रही हूँ और यूट्यूब से पढ़ रही हूँ, मतलब अभी मैंने कोई कोर्स परचेस नहीं किया है, आगे चल के देखती हूँ एक दो दिन में कोर्स परचेस कर लूँगी। और गाइस अभी श्याम के बज चुके हैं 7 और हम लोग जा रहे हैं मेले में, तो आरू बच्चा भाग रहा है और आज तो आरू को होली खेलने में इतना मज़ा आ रहा था, वो खुद से ही खुद को गुलाल लगा रही थी। भगवान मेघनाथ आरू को ढोलक की आवाज आ रही है इसलिए वो डांस कर रही है। कैसे डांस कर रही है? तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।